हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MS। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मोबाइल के सेटिंग से संबंधित। आपको ही पता है मोबाइल में इतने सारे फंक्शन होते हैं और इतने सारे सेटिंग होते हैं जो नॉर्मली सभी इंसान को पता नहीं होते हैं। जो जानकार होते हैं मोबाइल को, उन्हीं को ही फंक्शन सारे पता रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो गलती से अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, और फिर वो समझ भी नहीं आता है कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे बंद करें सेटिंग में जाकर चाहे कहीं भी। तो फिर हमें किसी अच्छे जानकार से मिलना पड़ता है जो मोबाइल के बारे में उसको सही कर सके। तो उसी तरह का एक सर्विस आता है दोस्तों, टॉकबैक सर्विस जिसको बोलते हैं। बाकी होता सब मोबाइल में, उसे ऑन करने का फंक्शन होता है, तो वो खास तौर से उनके लिए बनाया गया होता है जो आंखों से कम दिखते हैं या फिर देख नहीं सकते हैं, ताकि जो लोग ऐसे होते हैं जो कम दिखते हैं या नहीं देख पाते, वो भी इजीली ढंग से मोबाइल को चला सकें। तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी फंक्शन आप ऑन करेंगे, वहाँ हरे रंग का रेक्टेंगल बन जाता है चारों किनारे पे, और नॉर्मल मोबाइल से आपकी साउंड आती रहती है कि आप किस फंक्शन पे क्लिक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कैंसिल, बैक, ओके, सब मोबाइल बोल बोल के आपको बताती रहती है कि इसके आगे आपको क्या करना है, उसमें से कौन सा प्रोसेस पे आप हैं। तो खास तौर से सर्विस उन्हीं के लिए होती है जिनको मतलब विजन में दिक्कत होती है देखने में। लेकिन जब ये नॉर्मल इंसान को ये बातें पता नहीं रहती है, क्योंकि नॉर्मल इंसान को क्या पता कि मतलब ये ऐसा फंक्शन है जो कि उनके लिए है, तो जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर वो सही हो नहीं पाता है। तो आज हम उसी के सर्विस में बारे में बात करेंगे और उसको मैं करके दिखाऊंगा कि अगर गलती से आपके मोबाइल में ऐसा फंक्शन ऑन हो जाए तो आप उसे किस तरह से इजीली ढंग से बंद कर सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो बनाने का इस पर मन नहीं था, लेकिन 2-3 दिन से कई लोग मेरे पास इस प्रॉब्लम को लेकर कॉल कर चुके हैं मेरे मित्र यार, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली तरीके से अगर कभी आपके मोबाइल में गलती से ऐसा हो जाए तो आप मेरी वीडियो को देख के इजीली ढंग से उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन में। चलिए मैं करके दिखाता हूँ को फंक्शन आप कैसे अगर ऑन हो गया तो आप उसे कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड ओपन करना पड़ेगा। तो पासवर्ड आप इजीली फिंगरप्रिंट से खोल सकते हैं या फिर आप नॉर्मल आप पिन भी दर्ज करके खोल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस फंक्शन की सबसे खास बात यही होती है कि जो भी आपको फंक्शन ओपन करना होगा उस पर आपको 2 बार क्लिक करना होगा, और नॉर्मली मोबाइल एक उंगली से नहीं चलेगी जब भी ये फंक्शन ऑन हो जाएगी। और आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ आपको रेक्टेंगल बन के हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल। चलिए मैं व्हाट्सएप क्लिक करी, ये देखिए कुछ इस तरह बन के आ जाएगा। और अभी क्या है कि मैं इसको इधर या ऊपर कहीं भी घसकाऊंगा एक उंगली से काम नहीं करेगा। इसका सबसे खास रीज़न यही दोस्तों कि आपको फिर 2 फिंगर यूज करने पड़ेंगे। आप 2 फिंगर से चलाएंगे तो इजीली ढंग से ये जो भी आप काम करेंगे 2 फिंगर से काम करेंगे, और जहाँ भी आपको क्लिक करना होगा, ओपन करना होगा, आप वहाँ एक ही फिंगर से लेकिन 2 बार क्लिक करना होगा। और ये जहाँ जहाँ सेलेक्ट रहेगा वो आपको बताता रहेगा कि आप यहाँ पर सेलेक्ट हैं। तो इसे बंद करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। तो चलिए हम सेटिंग पे चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेटिंग पे आ गया मैं। अब अगर नॉर्मली मैं इसे अगर 1 फिंगर से करना चाहूँ तो 1 फिंगर से कुछ भी काम नहीं करेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब सेटिंग में आ गए तो आपको 1 फिंगर से अब इस पर 2 बार टैप करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह 2 बार टैप हो गया, और ये देखिए आवाज़ कर रहा है, जहाँ भी यहाँ भी क्लिक होगा रेक्टेंगल बनता रहेगा, बताता रहेगा सेटिंग में। अब देखिए एक उंगली से देखिए काम नहीं करेगा, आपको फिर वही 2 फिंगर से स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मतलब सेटिंग में जाना है, उसके बाद आप एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, आप सेटिंग में ढूंढ लीजिए कहीं भी, हर मोबाइल में अलग अलग होता है। मेरे पास ये MI का मोबाइल है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम चले जाते हैं एडिशनल सेटिंग में। देख रहे हैं ये बोल रहा है, तो अब यहाँ पे आने के बाद फिर आपको इस पे एक ही फिंगर से 2 बार क्लिक करना होगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह खुल गया। अब यहाँ से इसको आप ऊपर स्क्रॉल कर लीजिएगा 2 फिंगर से, उसके बाद आप यहाँ से देखिए इसमें आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा। हर मोबाइल में अलग अलग होते हैं, आपको किसी किसी मोबाइल में एकदम सामने ही मिल जाएगा सेटिंग में, तो आप ढूंढ लीजिएगा। तो चलिए हम एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया, अब इस पर मैं 2 बार क्लिक करूँगा। ठीक है, ये देखिए ओपन हो गया है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जनरल, विजन, हियरिंग, फिजिकल। ठीक है, तो आपको ये मैंने बताया था कि ये खास तौर से उनके लिए होता है जो देख नहीं पाते हैं सही ढंग से, तो आप इसमें से विजन वाले फंक्शन पे आ जाइएगा। ठीक है, अब इसे देखिए विजन को मुझे ओपन करना है तो इसे मुझे 2 बार टैप करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह कुछ ओपन हो जाएगा, और यहाँ आपको देखिए टैग बैक सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, देखिए ऑन है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इसी तरह इस पर 2 बार क्लिक करिएगा, और ये देखिए यहाँ पे ये ऑन है। ठीक है, तो इसको आपको ऑफ करना है, जब इस पर आप आएंगे फिर उसके बाद आपको 2 बार क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ देखिए स्टॉप का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर सेलेक्ट करके फिर इस पर 2 बार क्लिक कर देना है।
ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, ये देखिए सर्विस सेव ऑप हो गया। अब आप इजीली एक उंगली से नॉर्मल जैसे इंसान मोबाइल चलाता है आप वैसे इजीली ढंग से इसको चला सकते हैं। चलिए मैं इसमें एक और सेटिंग आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखिए एमआई का मोबाइल है तो इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है एक्सेसिबिलिटी, यहाँ से तो ऑन ये हो जाएगा टॉक बैक, लेकिन उसी के नीचे आप देखिए टॉक बैक वाटर मार्क दिया है। अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो जब भी ये फंक्शन ऑन हो जाएगा टॉक बैक का, तो स्क्रीन के ऊपर ही आपको वाटर मार्क के जरिए दिखा दिया जाएगा कि आप क्या करेंगे तो ये सर्विस बंद हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये एमआई के मोबाइल में देखा है, यहाँ क्या था कि जब मैंने इसको ऑन कर दिया था तो यहाँ ये बोल रहा था कि आप वॉल्यूम बटन को अप और डाउन दोनों को 3 सेकेंड के लिए दबा के रखिए तो आपको ये टॉक बैक की सर्विस ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, आपको इतना सेटिंग के अंदर घुस के नहीं आना पड़ेगा। तो अब ये हो सकता है दूसरे मोबाइल में दूसरा सेटिंग हो, लेकिन यहाँ उसका वही मतलब है। चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ। चलिए मैं इसे फिर से ऑन करता हूँ। ठीक है, देखिए कुछ तो इस तरह ऑन करेंगे तो इस तरह अलाउ का ऑप्शन आएगा। ये देखिए अलाउ का ऑप्शन आ गया। अब देखिए मैं यहाँ टॉक बैक वाटर मार्क इसे ऑन करता हूँ, तो देखिए यहाँ इसको मुझे 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह ये ऑन हो गया है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से बैक चलता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए अगर ध्यान दे रहे होंगे तो इस पर देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा दूँ। देखिए टॉक बैक इज ऑन, प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस फॉर 3 सेकेंड टू टर्न ऑफ। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको हर जगह ही दिखता रहेगा, ऐसा नहीं कि ये हट जाएगा। ये देखिए आप कहीं भी चले जाएंगे ये दिख रहा है क्योंकि वाटर मार्क के जरिए है, तो ये हमेशा दिखता रहेगा ये ऑन कर देंगे तो। इसका यही फायदा है कि मान लीजिए आपको पता नहीं कि सेटिंग में से कैसे ऑन हो गया है, तो अगर वो ऑन रहेगा तो आप समझ जाएंगे अच्छा ऑन जैसे भी हुआ लेकिन मैं इसे ईजिली ढंग से बंद कर सकता हूँ। और आपको ये वाटर मार्क हटाना है तो फिर सिंपली आप उसी तरह चले जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में, वहीं पे आपको वहीं पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप बिजली फिर इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।